आणि सामर्थ्य या दोन्ही गोष्टींच्या समन्वयाने जीवनात यशस्वी होता येते हा गीतेचा संदेश आहे म्हणून विद्यार्थ्यांनी सदाचाराचे व्रत अंगीकारताना जीवन मूल्यांसह जगातील आधुनिक तंत्रज्ञानही आत्मसात करावे असं आवाहन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी केले माहेर्स एम आय टी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी आणि एम आय टी आर्ट डिझाईन व टेक्नॉलॉजी विद्यापीठ राजबाग पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित जगातील सर्वात मोठा तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर तुकाराम विश्वशांती घुमटाचा विश्वार्पण श्रीमद भगवद्गीता ज्ञानभवनाचा लोकार्पण सोहळ्याच्या उद्घाटनप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते यावेळी राज्यपाल यांच्या हस्ते श्रीमद भगवद्गीतेच्या सव्वा लाख प्रती विद्यार्थ्यांमध्ये वाटप करण्यात आल्या यावेळी संगणक तज्ज्ञ पद्मभूषण डॉक्टर विजय भटकर एम आय टी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड कार्याध्यक्ष राहुल विश्वनाथ कराड एम आय टी डी टी विद्यापीठाचे कार्याध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर मंगेश कराड प्राध्यापिका स्वाती चाटे कराड डॉक्टर सुचित्रा नांगरे कराड ज्योती डाकने कराड डॉक्टर आर एम चिटनीस आणि डॉक्टर मिलिंद पांडे हे उपस्थित होते भगतसिंग कोश्यारी म्हणाले जीवनामध्ये साधना महत्त्वाची आहे अधिक साधना केल्यास त्याचे योग्य फळ मिळते आज लोक श्रीमंतांचे नाही तर संतांचे पाय धरतात कारण संत साधनेमध्ये मग्न असतात त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांनी अध्यात्म आणि अध्ययन या अभ्यासातून उभारणीच्या कार्यात मग्न रहावे डॉक्टर विश्वनाथ कराड विश्वशांती संदेश देत आहेत तर दुसरीकडे या ज्ञानाच्या रक्षणासाठी धनुर्धारी अर्जुनाची गरज आहे सर्व धर्माचा सार शांती हा आहे साधू संतांच्या त्यागाने भारतीय संस्कृती अमर आहे नव्या युगात विज्ञान आणि अध्यात्मता योग व्हावा सदाचाराच्या शिक्षणासोबत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करावा विश्वशांतीसाठी सर्वांनी एकत्र यावे धर्माचे तत्त्व सांगणारा देश म्हणून भारताची जगात ओळख असल्याचं कोश्यारी यांनी यावेळी सांगितलं डॉक्टर विजय भटकर म्हणाले भगवद्गीता ज्ञान आणि समन अध्यात्माचा समन्वय आहे विज्ञान आणि अध्यात्माच्या समन्वयातून भारत विश्वगुरू बनेल राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात सुद्धा अध्यात्म आणि विज्ञानाचा समन्वय असल्याचे त्यांनी सांगितले प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड म्हणाले अध्यात्मशास्त्राची प्रयोगशाळा आज जगाला अर्पण चार्चा करत चा आहोत जगात ज्ञानाचे दालन म्हणून उदयास येईल भारत विश्वगुरु होण्याचे स्वप्न स्वामी विवेकानंद यांनी पाहिले होते ते सत्यात उतरवण्याची सुरुवात झाली आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आव्हानाला साथ देत एम आय टी ग्रुप श्रीमद भगवद्गीतेच्या सव्वा लाख प्रतींचे वाटप करत आहे राहुल विश्वनाथ कराड म्हणाले शिक्षण पद्धतीमध्ये जागतिक शांततेचा जा अभ्यासक्रम अंतर्भाव व्हावा या वास्तूच्या माध्यमातून जगाला विश्व शांतीचा सा संदेश देईल वसाहतवादी मानसिकता बदलण्याची गरज असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं याशिवाय इंडियाचे नाव बदलून भारत करण्याची भावना आहे स्वतंत्रता दिवस हा राष्ट्रीय दिवस म्हणून साजरा व्हावा असंही ते म्हणाले क्योंकि मुझे युवा छात्र होते तो मुझे बड़ों को क्या उपदेश दे सकता हूं कराड़ साहब मुझे उन्हीं के लिए बोलना पड़ता है।, है तो ये जो अपने साथ है हमें क्या बनना है योगेश्वर भी बनना है अर्थात योग की शिक्षा लेकर के अध्यात्म की शिक्षा लेकर के मॉरल इथिक्स की शिक्षा लेकर के सदाचार की शिक्षा लेकर के आगे बढ़ना है और उसके साथ साथ हमको लेटेस्ट जो भी आज दुनिया के अंदर चल रहा है उसमें भी हमको आगे होना है एक ही बाण है एक ही अस्त्र है वो अस्त्र ऋषियों को मारता है तपस्वियों को मारता है संतों को काट के खा जाता है और वही अस्त्र राम के हाथ आता है तो ऋषियों के खाने वाले को खा जाता है रावण को खत्म कर देता है इसलिए हम जो छात्र हैं छात्राएं हैं ये ध्यान है, रखें राम बनना है कि रावण बनना है ये हमारे ऊपर है हमें कंस बनना है कि कृष्ण बनना है ये हमारे ऊपर है आखिर क्या पड़े विश्वनाथ कराड़ और विजय भटकल को वो मुझे बुरा रहे बद्रीनाथ उससे भी आगे माड़ा गांव उससे भी आगे सरस्वती नदी कि हमें तो वहां मंदिर बनाना है ब्यास जी का क्या है आरे वर्तमान में आता है वर्तमान भविष्य में जाएगा गंगा जैसे बहती रहती है चंद्रभागा बहती रहेगी गोदावरी बहती रहती है ऐसे वो ज्ञान की गंगा बहती जा रही है सवाल यह है कि जैसे विश्वनाथ कराड़ और विजय भटकल ने उसको अपने में ले लिया हमारे लिए रास्ते खोल दिया क्या आप और हम भी उस रास्ते पर बढ़ते कि नहीं बढ़ते यदि उस रास्ते पर बढ़ गए एक क्या ये हमारे प्रोफेसर बैठे किताब मुझे देते हैं क्या खान नाम भूल गया खान तुम्हारा <laughs> बड़ी किताब लिख एक से कहां पहुंच सकते हैं इसलिए मैं बहुत मेरा सौभाग्य है यदि मैं बड़ा डर रहा था मैंने विश्वनाथ कराड़ जी को कहा भाई तुम तो विश्व शांति की बात करोगे ही करोगे क्योंकि आपके नाम ही विश्वनाथ है तो आपने तो विश्वनाथ करना ही करना विश्व के लिए उससे मुझे लगता है कि इसका नाम महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तक सीमित न रह करके अगर इसका नाम ये बोला जाए कि इट इज मैग्निफिसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये मनुष्य को देवता बनाने का मनुष्य को ऊपर उठाने का मैटरलिज्म से भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाला इस प्रकार का इंस्टीट्यूशन है अगर ऐसा कहा जाए तो मेरे ख्याल से, से उक्ति नहीं होगी मैं आदरणीय कराड़ा साहब को उनके सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं यहाँ पर ज्ञानीश्वरी का भगवत गीता का और बहुत चीजों का लोकार्पण तो हुआ है अब श्रीमद् भगवत गीता के नाम पर और ये बड़ा जो इन्होंने वर्ल्ड पीस डोम बनाया है अब ये जो पीस की बात है शांति की बात है ये अगर आप देखेंगे मेरे सामने बहुत से धर्मगुरु बैठे हैं अलग अलग धर्मों के गुरु बैठे हैं और हर एक धर्म के अंत में अमिन शांति ऐसा कुछ न कुछ बोला ही जाता है लेकिन ये जो भारत है आखिर सब चीजों से थोड़ा भिन्न क्यों है आखिर हम लोग सब आदमी हैं मनुष्य हैं ह्यूमन बीइंग्स हैं हम सब में आत्मा भले एक है हम सब की एक विशेषता हम जन्म लेते हैं और उसके बाद मर जाते हैं अगर कोई आप में से अमर है तो बता दो ये तो कराड़ साहब भी नहीं कह पाएंगे कि मैं अमर हो गया हूं हम लोगों को सबको जोगी नहीं बनना है फकीर नहीं बनना है लेकिन ये जो परिकल्पना यहां है जो मुझे जो थोड़ा समझ में आता है मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं लेकिन जो थोड़ा बहुत समझ में आता है इस परिकल्पना में अभी आपको भगवत गीता दी गई है और नहीं दी गई तो दी जाएगी और वैसे भी सब लोग भगवत गीता पढ़ते होंगे पढ़नी चाहिए अभी डॉक्टर विजय भटकल कह रहे थे स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि भाई हमारे नए युग में विज्ञान और अध्यात्म साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इसका योग होना चाहिए ये चलना चाहिए और अगर भगवत गीता का अंतिम श्लोक अगर पढ़ेंगे जब ये बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में अंतिम श्लोक आ रहा था पहला नहीं आ रहा था धर्म क्षेत्र को अंतिम आ रहा था तो उसमें व्यास जी कहते यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धया तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर जहाँ श्री कृष्ण है और धनुर्धारी आपने देखा होगा इन्होंने पूरा बना रखा है अपने आगे वाले उसमें कराड साहब ने अर्जुन है जहाँ ये दोनों हैं तो वहां विजय तो होगी ही होगी अब क्या इसका अर्थ है वेदांत जी अच्छा बताएंगे और लोग साधु हैं, महात्मा लोग ये बताएंगे मैं तो छोटा सा आदमी हूं लेकिन मेरी जो समझ में आया वो ये आया कि योगेश्वर ये तो परम आध्यात्मिक आगे पहुंचे हुए हैं भगवान कृष्ण आध्यात्मिक तो शक्ति है योग की शक्ति है अद्भुत शक्ति है उन्होंने धनुष नहीं उठाया हथियार नहीं उठाया पूज्य हो गए क्योंकि योगेश्वर आध्यात्मिकता के प्रतिमूर्ति है और दूसरी ओर साथ में कौन है पार्थो धनुर्धरा ऐसा जगत का विलक्षण धनुर्धारी जिसके बाण जिस पर लग गया उसके प्राण निकल गए ऐसा अर्जुन जहाँ है तो वहाँ विजय ही विजय है सरस्वती मंदिर बनना था विजय भटकर मैं और कैसे क्यों महाराष्ट्र की चंद्रभागा इंद्राणी के तट से निकलकर संत ज्ञानेश्वर के भूमि के निकलकर कर नारायण के प्रांगण में जाके वहाँ सरस्वती मंदिर होना और वो भी तिरसठ दिन में होना उनके साक्षी है इनके हाथ से हुआ था उनके लिए जरा जोरदार टालिया बजाइए सर ने मुझे सुबह पूछा कि आप ये विजय भटकर कहाँ से मिले ये वेदांती कहाँ से मिले ये कैसे मिले अमरनाथ जी कैसे मिले मैं उनको बोला जैसी आप मिले आप नहीं मिलते वो माना गांव वो बिरनारायण का प्रांगण उत्तराखंड उस भूमि में जाकर यह कैसे हो सकता था ये थे हमारे भाई कि कोश्यारी साहब ने वहाँ जो सहयोग दिया आशीर्वाद दिया तो मैंने आगे का भीम और बाकी स्टैचू दिखाए कि वो अभी मई में महीने में करना है तो मेरे मार्गदर्शक होंगे साहब वो मुझे बोल रहे थे कि मेरे हाथ से नहीं भी और किसी के करो मैं बोला आप अध्यक्ष होंगे उसके उनके लिए इतना बोलो कि भाई आपको आना है आपके सिवा हमारे मोलपा जो है उस माणा गांव के सारे सहयोग को ईश्वर नियति का खेल है सारा ये मेरे सामने दास बैठा है एडिसन साम्राज्य बैठा है सर मैं आपको अभिवादन करता हूँ ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता है। मैंने टाइम दिया था लेकिन आई कुड नॉट फॉलो इट स्ट्रिक्टली बट आई कैन ओनली से आई गो डाउन टू ऑल ऑफ यू एक पवित्र आत्मा के माध्यम से आशीर्वाद है मेरे अक्का आशीर्वाद है मेरे भाई का आशीर्वाद है अन्ना का आशीर्वाद है आप सबका आशीर्वाद है एक नई दिशा भारत को पन्द मोदी साहब ने इस जो बात की भगवत गीता की एक लाख पच्चीस हज़ार तो छोटी भी बात है भाई बड़ी नहीं लेकिन उसकी शुरुआत आज कोशियारी साहब के हाथ से हो रही है दुनिया के लिए लेकिन जिसमें कुरान भी है होली कुरान है होली बाइबल होली त्रिपिटक है गुरु ग्रंथ साहब है उनका समावेश होना चाहिए ऐसा भी हमारा मानना है इस देश की जो सारी जनता है वो एतनिक है सारे धर्म जाति के लोग आनंद से रहते हैं तो उसको छोटी सी जगह उसके मायने में देना जरूरी है और उसका एक सुंदर चिंतन इस भगवद गीता में हुआ उनका शुरुआत उसका समर्पण दुनिया के हित के लिए मानवता के लिए हित कल्याण के लिए विश्व कल्याण के लिए कोश्यारी साहब आपके हाथ से होना शायद ये भी आपके माता पिता का आपको भी आशीर्वाद होगा इसके लिए मैं मानता हूँ मैं अभिवादन करूँगा प्रणाम करूँगा ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए ये संस्था ये निमित्त मात्र होगी लेकिन दुनिया के सामने विश्व गुरु के रूप में दुनिया को रास्ता दिखाना है सुख समाधान शांति का और ज्ञान मार्ग है ज्ञानमयो विज्ञानमयो ऐसा शब्द है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती ये भी दूसरा शब्द है उसको सामने रख के हमारी संस्था आगे चलेगी